ये देखो हिरन। राम राम जी, कैसे हो आप सब। राजस्थान की धरती से आप सभी का स्वागत है। सूरज की रोशनी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ रही है, पता नहीं वीडियो में कैसे आएगा। बाकी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो बताइए कैसे हैं आप। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं अपना चैनल दिल घुमक्कड़। आज सालासर बालाजी और रस्ते में एक मंदिर है, किले वगैरह है यहाँ के, तो वो देखने का प्रोग्राम है। तो आज की तैयारी में नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, वो तैयारी है। अब बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके और निकलेंगे बाइक से ही। जहाँ पर हम रुके हैं ना, यहाँ की लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब अल्टीमेट जो नेचुरल होती चीज़ें होती हैं ना, वो है बिल्कुल यहाँ पे, जो नेचुरल होता है बिल्कुल। पक्षियों की, चिड़ियों की चहचहाट, बिल्कुल नेचुरल। खेत, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त। मज़ा आ गया यहाँ पे देख के, रुक के। कैमरे के नजदीक जाओ। अच्छा, वहां से ये अच्छा, इसलिए सेट है वो मामला। ब्रेकफास्ट के बाद अब चलते हैं आज के सफ़र पर, राजस्थान भ्रमण पर। जो आसपास के एरिया हैं, साइट सीन्स हैं, उनको देखने। और पहले चलेंगे यहाँ मंडावा से सालासर बालाजी धाम, फिर उसके बाद एक कुछ किले वगैरह हैं और एक और अच्छी जगह पता लगी है, वहाँ पे भी जाना है, वो भी आपको बताऊंगा आने अभी पहुँच के रास्ते में। और फिर उसके बाद लास्ट में जो मंडावा गांव में जहाँ पे शूटिंग्स वगैरह हुई हैं, जैसे कि बजरंगी भाईजान, पीके और काफ़ी सारी वेब सीरीज़ यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, तो वो भी दिखाने का है मन आज। देखते हैं कितना हो पाता है। अब निकले हैं, 11 बज गए हैं और चलते हैं। अब देखते हैं कि शाम तक कितना कवर कर पाते हैं, कितना आप सभी के बीच में लोकेशंस शेयर कर पाता हूं। तो मिलते हैं अभी आपको सीधा रास्ते में। जो चीज़ मैं आप सभी को कल बता रहा था कि खेतों में पानी कैसे देते हैं, वो ये देखो, ये ऐसे ऐसे फौरे चलते हैं और इससे पानी दिया जाता है पूरे खेतों में, बीच में पाइप डाल के। ये पेड़ों की खूबसूरती, यार जवाब, कोई जवाब ही नहीं है। यार जबरदस्त नज़ारा लग रहा है,
बीहड़ जंगल, रेतीला रेगिस्तान और ये सुनसान सड़क, केवल राइडर। क्या सब नजारे हैं। क्या खूबसूरती है राजस्थान की, अल्टीमेट। जबरदस्त खूबसूरती है, गजब गजब। हाँ जिसने राजस्थान नहीं देखा ना उसने कुछ नहीं देखा। आपको इस खूबसूरती का आनंद लेना है तो आपको राजस्थान आना पड़ेगा। क्या अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। और ये खूबसूरती कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे भारत देश में। यह आ गया जी सालासर धाम विकास समिति श्री लक्ष्मण द्वार। जय श्री सालासर धाम। सालासर अभी यहाँ से है 30 किलोमीटर। राजस्थान की जो खूबसूरती है ना वो अलग ही है, हर स्टेट से हर राज्य से अलग ही खूबसूरती है यहाँ की। दर्शन करके, प्रसाद लेके और पेट पूजा करके आप निकल गए हैं। एक जगह है यहाँ पे ताल छापर करके, और वहाँ पर सुना है कि इतने हिरण हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो मैंने कहा इतनी दूर आए हैं तो वो भी देख लेते हैं और आप सबको भी दिखा देते हैं। तो चलते हैं आगे। क्या जबरदस्त व्यू है, मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट। ये ट्रंस देखो इसका, और मैं कह रहा हूँ देखना जबरदस्त जबरदस्त। आप सभी व्यूवर्स में से जो कभी राजस्थान नहीं आया ना वो एक बार राजस्थान जरूर आए। और इसका सही आने का समय जो है सितंबर टू मार्च, मार्च के बाद ना आए क्योंकि गर्मी इतनी ज़बरदस्त होती है। अभी इतनी गर्मी है बहुत, पर करेंगे आगे, करूँगा भी, है टाइम काफ़ी। हाँ हाँ नहीं वो साइड कैमरा लिया नहीं मैंने, अभी साइड कैमरा ले नहीं रहा मैं। आगे खड़ा हो गए, अच्छा कितना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं सर मैं भी। हाँ अरे लेफ्ट साइड में सनसेट होता हुआ, और जो हमारी आज की अद्भुत जगह थी घूमने वाली
वहाँ पे भी हम पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे सुना है इतने हिरण हैं, बहुत सारे हिरण हैं, रोड पर ही घूमते रहते हैं। तो चलो मैंने कहा देखते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं उस जगह। आज लगभग पूरा दिन हो गया बाइक पे और बस यहाँ से अभी निकलेंगे भी वापसी भी, पहले आप सभी को वो जगह दिखा देते हैं। और इस जगह का नाम है छापर, कोई गांव है छापर, वहीं कहीं रास्ते में है। यहाँ से अभी छापर है 4 किलोमीटर, तो देखते हैं उससे पहले पड़ेगा या उसके बाद में पड़ेगा। इस रास्ते पर हिरण ही रहना है, ये देखो एक बड़ा। ये देखो, ये देखो हिरण, हिरण का बच्चा। भूरे हिरण तो सभी ने देखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ काला हिरण जो बड़ा फेमस था। ये देखो, ये देखो पेड़ के नीचे यहाँ पे, ये देखो ये सामने काला हिरण, जो एक फिल्म के, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। पर ये देखो ये भाग रहे हैं ना दो आगे, ये देखो काले हिरण, ये बड़े फेमस थे। एक जनाब हमारे जो है ना जो इस केस में बंद भी हुए थे, काले हिरण। बढ़िया, मज़ा आ गया। अभी और भी आगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हिरण का बच्चा है छोटा सा, कुछ है ही नहीं बोला, हाथ ही खा रहे हैं। सॉरी। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आज आप सभी को मंडावा जो फॉरेस्ट हिस्टोरिकल विलेज है, काफ़ी साल पुराना विलेज है, मैं आप सभी को नहीं दिखा पाया क्योंकि राइड बहुत लंबी रही और थक भी गए और काफ़ी परेशान भी रहे। अभी जस्ट आधा घंटा पहले पहुँचे हैं, तो कल सुबह आप सभी को वहाँ पर ले कर चलूँगा जो हिस्टोरिकल विलेज है मंडावा, वहाँ दिखाएंगे पूरी जो भी वहाँ पे शूटिंग पॉइंट है वो सभी आपको दिखाने हैं मुझे। और फिर कल ही वापसी हमें दिल्ली के लिए भी निकलना है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड, मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार। Even the nights the darkest before the dawn.